आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इंडिया फुटबॉल के एक और वीडियो में। जिन्हें नहीं पता, आप सभी को ये बता दूं, आज हमारे भारतीय फुटबॉल टीम खेलने वाली है कंबोडिया के साथ और ये उनका पहला मुकाबला होने वाला है एएफसी क्वालिफायर्स के फाइनल राउंड में। मैं आपको फटाफट टेलीकास्ट के बारे में बता देता हूँ, वरना लोग मुझे गाली देंगे क्योंकि ये वीडियो ही है टेलीकास्ट के बारे में। और उसके बाद हम बात करते हैं इतिहास के बारे में अबाउट इंडिया एट एएफसी। अभी अगर मैच टेलीकास्ट की बात करें तो मैच आप देख पाएंगे स्टार स्पोर्ट्स के नेटवर्क पर, टू बी स्पेसिफिक स्टार स्पोर्ट्स 3 और स्टार स्पोर्ट्स के HD चैनल्स पर भी आप मैच देख पाएंगे। इवन हॉटस्टार, इवन जियो टीवी ऑल्सो, उसके अलावा कुछ और लिंक्स जैसे ही हमें मिलती है हम हमारे कमेंट सेक्शन में पिन करके डाल देंगे। तो भाइयों कमेंट सेक्शन जरूर चेक कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, बस अभी इंडिया के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं एट AFC। AFC एशियन कप शुरू हुई थी सन 1956 को। उसके बाद से इंडिया बस चार ही बार क्वालिफाई कर पाई थी, 1964, 1984, 2011 और 2019 जो अभी चल रहा है। 1964 की बात करें तो हम ये कह सकते हैं ये इंडिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉन्टिनेंटल रन था, एज इंडिया वेयर द रनर्स अप ऑफ द टूर्नामेंट। फिर 1984 में भी इंडिया ने हिस्सा लिया था, बहुत सारे टीमों ने बैकआउट कर लिया था ड्यू टू पॉलिटिकल कंडीशंस। फिर 2011 में भी इंडिया ने क्वालिफाई किया, जहां पे इंडिया को कोई पॉइंट्स हासिल नहीं कर पाई, एज ए रिजल्ट हमको बाहर कर दिया गया। और अभी 2019 वाला टूर्नामेंट अभी चल रहा है। भाइयों आपको क्या लगता है आज को कौन विजेता होगी, इंडिया या कंबोडिया? हमारे कॉमेंट सेक्शन में फटाफट जल्दी से बताइएगा। तो इतना ही था आज के इस वीडियो के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेफ।